हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत सारा सवाल आ रहा था सर, फ्रेश मार्केट से कैसे हम बात करेंगे सर, कैसे हम बिजनेस को दिखाएंगे सर। सबसे पहले जब भी आप लोगों से मिलते हैं, यानी लोग तो कई प्रकार के आपको हर जगह में आपको मिल जाएगा दोस्तों, जब भी आप लोगों से बात करेंगे, यानी सबसे पहले फ्रेश मार्केट चाहे हॉट मार्केट चाहे कोई भी हो इस दुनिया में, जितने भी लोग इधर उधर है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसी जगह पे काम करते हैं, कोई टोटो वाला है, कोई और किसी जगह पे काम करते हैं, मतलब कोई भी जगह पे आप जाएंगे, चाहे रेलवे स्टेशन में जाएंगे, चाहे आप बस स्टॉपेज में जाएंगे, तो हर जगह में आपको कहीं ना कहीं लोग ही लोग मिलेगा। और हमारी बिजनेस में सबसे जो रॉ मटेरियल है दोस्तों, वो है लोग। यहाँ पर आपको चार बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बात पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। बात जो होगा दोस्तों, वो है दोस्ती, यानी बात करके दोस्ती बनाना पड़ेगा सबसे पहला पॉइंट। और जब आप बात करना चाहोगे, जब बात करने जाओगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बात करने में आपको तारीफ करना चाहिए। कोई भी इंसान आपका सामने आया और उसका हेयर स्टाइल उसको अच्छा लगा दोस्तों, तो आपको बताना चाहिए, वाह क्या बात है, आपका हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है, अच्छा आपका ये शर्ट है, अच्छा कहाँ लिए हो भाई, तो वो बताएगा क्यों, क्योंकि आपकी शर्ट जो है ना बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा आपकी जो जूता है ना ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा आपका कहाँ का रहने वाले हो, मतलब बातों बातों में आपको पूछना चाहिए आप कहाँ का है, आप क्या करते हो, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, मतलब आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देख कर ये लग रहा है जो हमारा भी आपके जैसा दोस्त था, इसी प्रकार इसीलिए लग रहा है मुझे लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बात करना है। कैसे बात करेंगे, कैसे दोस्ती बनेंगे, जब आप तारीफ करेंगे, जब लोगों को आप तारीफ करते हैं ना, तो लोग आपको पसंद करते हैं दोस्तों, यानी लोग जब आपसे बात करना चाहे, तो उस टाइम आपको उस बात को सुनना भी चाहिए। जब भी वो बोले आप कहाँ का रहने वाले हो, आपका नाम क्या, आप क्या कर दो, तो वो सारे बात आपको सुनना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें बात करना चाहिए, दोस्ती बनाना चाहिए। और वो दोस्ती वो बात कब होगा, जब आप लोगों की तारीफ करेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर पॉइंट में हम सब लोग गलती कहाँ करते हैं, अरे चलो यार बात किए है, दोस्ती हो गया, चलो वो नंबर भी दे दिए, हम भी उसका नंबर ले लिए, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, ये वो सब कुछ ले लिए है, चलो अभी बिजनेस के बारे में बता देते हैं। गलती मत करना दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कभी भी ये गलती नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, कभी भी बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है। यदि आपको पूछे भाई आप क्या करते हो, हाँ मैं एक छोटी मोटी काम करता हूँ, एक बहुत अच्छा काम करता हूँ, क्या करते हो, यही इधर उधर मैं काम करता हूँ एक जगह में, आपको उतना आपके बारे में उतना बताना नहीं चाहिए, बट उनके बारे में उनकी हर एक बात को सुनना चाहिए आपको। उनकी जो भी उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी स्टेशन में है, बस स्टॉपेज में है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से वो घर आ रहा है, तो वो जो प्रॉब्लम आपको बताया कि उस प्रॉब्लम आपको सुनना है, यानी लोग ना सुनाना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहते, बट आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों की बात को आप सुनेंगे, जब लोगों की लिसनर बन जाओगे ना, तो मान लो कमाल हो जाएगा। तो दूसरा नंबर पॉइंट मैं आपको समझा पाया हूँ। तीसरी नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, वो है उनकी रुचि के बारे में, उसकी इंटरेस्ट के बारे में आप बात कीजिए। क्या खेलते हो वो पूछे, वो बोलेगा हाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको बताना, वाओ क्या बात है, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा आपके घर में कौन है, अच्छा पापा है, मम्मी है, किसको प्यार करते हो, बातों बातों में आपको आपको अंदाजा करना चाहिए उसका रुचि क्या है। कोई खाना पसंद करता है, कोई मूवी देखना पसंद करता है, तो उनको पूछिए, अच्छा आपको ये बाहुबली अच्छा लगा है, अच्छा क्या बात है, मुझे भी अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया यार, क्या आप घूमने के लिए अच्छे हो, मतलब बातों बातों में उनकी रुचि के बारे में, क्या घूमना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, कौन सी मोबाइल में देखना पसंद करते हैं, कौन सा मोबाइल लेना चाहते हैं, मतलब जब उनकी इंटरेस्ट के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे, और जब वो इंटरेस्ट बताएगा ना, उसी इंटरेस्ट में आपको क्या करना, तारीफ लगाने, वाह क्या बात है भाई, मतलब आपके जैसा मेरे भी ऐसा रुचि है, इंटरेस्ट है, तो जब आपके इंटरेस्ट और उनकी इंटरेस्ट एक हो जाएगा और उनसे आप तारीफ करेंगे ना, और मज़ा हो जाएगा दोस्तों। तीसरी जो पॉइंट है दोस्तों, आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो उनके बारे में आपका रुचि इंटरेस्ट के बारे में आपको बात करना चाहिए दोस्तों। चौथी नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, उनकी सामने आपका एक छवि, एक इम्प्रेशन बनाना चाहिए दोस्तों, यानी उनका सामने यदि एक छवि बनाने थे, जी ये तो इंसान यार बात बहुत अच्छा करता है, जब हम बात कर रहे थे हमारी बात को पूरा सुना, और सुनने के बाद तारीफ भी किया है, मेरी घर के बारे में पूछ रहा था, मेरे मम्मी कैसा है, पापा कैसा है, घर में कौन है, मतलब ऐसा इंसान से हम आज मिले हैं जो घर जाने के बाद अपने मम्मी पापा को बोले कि ऐसा इंसान से मिले हैं जो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत, मुझे लग रहा था जो बहुत पुराना दोस्ती है, मेरे रिलेशन है, वो ऐसा बात करना चाहिए घर में उसकी बेटा बेटी या उनकी वाइफ को बोले कि ऐसा इंसान से आज मिले हैं जो लग रहा था कि हमारी दोस्त है, हमारी भाई है, हमारे रिश्तेदार में है, ऐसी छवि आपको बनाना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए उसके पास पानी नहीं है, तो आपके पास पानी पी रहे हैं, तो उसको बताना चाहिए, अच्छा लो आपके लिए थोड़ा सा पानी, आप भी पी लो थोड़ा सा, तो इस प्रकार यदि आप उनका सामने छवि बनेंगे, मान लो किसी के पास उस टाइम मोबाइल नहीं है, तो वो बता रहे मेरे पास मोबाइल नहीं है, फ़ोन कर, तो एक फ़ोन करने दिया आप ध्यान से, जब मतलब कोई ना कोई काम उनका सामने किए,
और उनका लाभ हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, एक छवि बन जाओगे उनका सामने कि ये जो बंदा है ईमानदार बंदा है। मान लो बस या ट्रेन और किसी जगह पे कोई मदद की ज़रूरत है, उसको बिठाना है, आप सीट में हो बट बात करते करते तो उनको बोले कि भैया आप सीट में बैठ जाओ, मैं ख़राब हो जाता हूँ, बहुत दूर जाओगे, तो मतलब क्या उनके सामने आपकी छवि हो गया, आपको उनको पता लग गया कि ये ईमानदार इंसान है। और जब इस तरीके से 4 पॉइंट के ऊपर आपका पूरा काम हो गया तो आप नंबर वगैरह व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ ले लीजिए, बात कर लीजिए, हाथ में हाथ मिला लीजिए, वार्म वेलकम कीजिए, और साथ ही साथ गला में गला मिला लीजिए, जो कोई यदि लड़का होते हैं और लड़की होते हैं तो नमस्कार या सलाम जो भी हो लास्ट में वो बताइए, बाद में फिर फ़ोन कीजिएगा, और जब घर आए तो फ़ोन भी कीजिए, बात भी कीजिए उनसे। तो काफ़ी मुझे लगता है कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा आज की वीडियो में, यदि हमारी इस भाई की चैनल को भाई की वीडियो को बहुत अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी जय गया लो, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।